यो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक इन आवर सोलो लेवलिंग गाइस, न्यू वीडियो गाइस। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए अमेमिया मीरे का बेस्ट बिल्ड गाइस, बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट। कौन कौन से आर्टिफैक्ट सेट तुम्हें यूज़ करने चाहिए, एकदम बेस्ट बिल्ड बताऊँगा। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये पहली असैसिन टाइप हंटर है जो रिलीज़ हुई है, ठीक है? एज़ यू कैन सी विंड असैसिन, अनलाइक तुम बाकी चाहें ये सब का, देखो दे आर द फाइटर्स, फाइटर्स फायर मेज, बट दिस इज़ द फर्स्ट असैसिन हंटर एंड शी इज़ भाई क्रेजी, खतरनाक डैमेज देती है। एंड बस बस डैमेज सही से देगी, बट अगर आप टट्टी आर्टिफैक्ट्स दोगे ना तो भाई नहीं देगी। बट डोंट वरी, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट जो कि तुम्हें इस पे यूज़ करने चाहिए, सो डैट शी न्यूक्स एवरीवन। एंड गाइस, शी इज़ सो क्यूट ना। ओके, तो देख सकते हो मैं इसको 80 लेवल में ही रखा हूँ एंड लेवल 1 का ही वेपन है भाई। भाई तो पहले ही बता दो, ऊपर देख लो गोल्ड भाई, आई थिंक मेरे पास 3 मिलियन के आसपास थे, इतने हो गए, वो भी सिर्फ इसको ये किया, कुछ स्किल्स अपग्रेड किए इसी में भाई। वो भाई समझ सकते हो, बहुत ही गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि कुछ नहीं कर सकता। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपन इसका स्किल्स देखेंगे, देन आफ्टर दैट आर्टिफैक्ट्स में आएंगे, बिकॉज स्किल से ही थोड़ा पता चलेगा कि किस पे ये स्केल करती है। सो बेसिक स्किल्स में देख सकते हो कि इसके पास डैमेज डीलिंग स्किल्स हैं, डैट्स ऑल। और इसका सपोर्ट स्किल में भी कुछ खास स्किल्स नहीं है, अनलाइक चाहन, लाइक ये तो अपने सपोर्ट स्किल में कम से कम ब्रांड ये सब लगाती थी, इसके पास कुछ नहीं है। सो शी इज़ जस्ट अ DPS टाइप कैरेक्टर, ओके। हाँ, बट इसके अल्ट में गाइज बहुत कुछ है जिसका हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैडम जी के बारे में देखा जाए, व्हाट स्किल्स शी पजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, व्हेन द यूज़र हैज़ 66% और मोर ऑफ देयर मैक्सिमम MP, ओके ओके लेट मी शो यू। MP का बात हो गया, मतलब मुझे लगता है आर्टिफैक्ट का बात करना ही होगा, ओके तो आर्टिफैक्ट ही दिखा देता हूँ। सो गाइज, इसके लिए बेस्ट सेट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 4-piece एक्सपर्ट सेट, 2-piece टफनेस सेट एंड 2-piece आर्म सेट, ओके। आर्म सेट के जगह पे तुम चाहो तो बहुत सारे अदर सेट्स भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जिसमें टफनेस आएगा तुम्हारा, टफनेस सेट यही आएगा आई थिंक, या ज़्यादा सेट्स नहीं यूज़ कर सकते, टफनेस या ये, ओके आर्म सेट। एंड गाइस श्योर भाई, तुम्हें यहाँ पे 70-75 लेवल के आर्टिफैक्ट्स यूज़ करने हैं, अभी ग्राइंड नहीं किया हूँ उतना, सो वो सारे आर्टिफैक्ट्स नहीं है। एंड लिटरली अभी मैं तुमको इसको बताऊँगा कि परफेक्टली इसको कैसे बिल्ड करते हैं, बट उसका बाद थोड़ा एंड में करेंगे। यही नहीं है, बस आर्टिफैक्ट देख लिया ये मत समझना कि दैट इज़ द फुल बिल्ड, बिकॉज गाइस शी लिटरली स्केल्स ऑन दीज 3 stats, अटैक, MP, क्रिट, हिट, डैमेज। सो गाइज, पहला ऐसा यूनिट हमें मिला है जो कि MP पर डिपेंडेंट है अपने डैमेज के लिए, सो इसका बात करेंगे लेटर ऑन, ठीक है? पहले इसके स्किल्स देख लेते हैं, बिकॉज स्किल्स में भी ये सब चीज़ मेंशन है, और वो पहले बताऊंगा, उसके बाद आर्टिफैक्ट गाइड दूंगा तो थोड़ा अच्छा होगा। सो लेट्स गेट इनटू इट, ओके। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 66% से ज़्यादा इसका MP रहता है, तो ये ग्रोहास डार्कनेस इफेक्ट अप्लाई करती है खुद पे। डार्कनेस इफेक्ट भाई, लेडी यार यू आर सो ब्राइट एंड गुड, आई मीन क्यूट। सो क्रोहास डार्कनेस इफेक्ट में क्या होता है देखो, इंक्रीजेज द यूजर्स अटैक बाई 4% फॉर एवरी एडिशनल 150 अप टू 40%, ओके। तो डैट मीन्स एडिशनल 150 MP तुम्हारा जितना भी रहेगा उस हिसाब से 4% अटैक बढ़ेगा हर वन एडिशनल 150 MP पे, और 40% तक बढ़ा सकते हो। एंड ये इफेक्ट तभी ट्रिगर होगा जब तुम्हारा MP 66% होगा या उससे ज़्यादा होगा, और उस पर जितना भी 150 ज़्यादा होगा उतना इसका अटैक बढ़ेगा। सो डैट मीन्स इसका MP थोड़ा हाई जोन में रखना पड़ेगा आपको। 66% से जैसे ही नीचे जाता है ये इफेक्ट हट जाता है, लिटरली टेस्ट करके बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बचा रहा हूँ, ओके okay? अच्छा। एंड देन क्रूहास डार्कनेस इफेक्ट में देखो क्या होता है, ये तो बस एक नॉर्मल इफेक्ट ट्रिगर होता था डार्कनेस इफेक्ट, अब जो मेजर इफेक्ट है वो देखो, इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ क्रूहास सोर्ड टेक्निक टाइप 2-3 और टाइप 3 विंग्स ऑफ नाइट एंड क्रूहास सोर्ड टेक्निक टाइप 4 रेवन्स क्राई बाय 30%। अच्छा, इन दोनों वेपन स्किल का डैमेज बढ़ा देता है 30% से, ये दो स्किल्स जो इसके स्पेशल स्किल्स हैं, ठीक है? एक तो बेसिक रहता है और उसके साथ बेसिक का बूस्टेड ही समझ लो या कोर अटैक समझ लो, ओके। सो क्रूहास डार्कनेस इफेक्ट में इन दो स्किल्स का डैमेज गाइज 30% तक बढ़ जाता है, विच इज़ ह्यूज यार। एंड ऐसे तो गाइज ये A0 पे उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, नाम के लिए है बस, जैसा हर SSR कैरेक्टर्स होते हैं, E1 पे लिटरली आखिरी बन जाती है, कैसे दिखाता हूँ अभी। वाइल द पोजेस्ड इफेक्ट इज एक्टिव, डैट मीन्स पोजेस्ड इफेक्ट इसका तब आता है जब ये अल्ट मारती है, देख सकते हो,
व्हेन द यूजर यूजेस दिस स्किल इट अप्लाइज द पोजेस्ड इफेक्ट। ओके ये है, पोजेस्ड हो जाती है भाई, अरे अरे क्यूट बच्ची पोजेस्ड हो गई, मतलब बैड बैड ओमेन। व्हेन द यूजर यूजेस दिस स्किल इट रिमूव्स ऑल डीबफ्स फ्रॉम ऑल ऑफ द टीम मेंबर्स। अच्छा डीबफ रिमूव करती है, बट ये अल्टीमेट स्किल में, सपोर्ट स्किल में नहीं है, सबका डीबफ रिमूव कर देगी जितने भी टीम मेंबर्स है। एंड साथ में व्हेन द यूजर्स टैग्स आउट और दे हैव 10% और लेस ऑफ देयर एमपी इट रिमूव्स। अच्छा जब टैग आउट करोगे या इसका एमपी 10% से कम रहता है तो फिर पोजेस्ड इफेक्ट हट जाता है। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब अल्ट भी मारोगे और एमपी कम रहा तो घंटा पोजेस्ड इफेक्ट एक्टिवेट ही नहीं होगा। और पोजेस्ड इफेक्ट में देखो गाइस क्या है, रीसेट्स द कूलडाउन ऑफ जो भी बेसिक स्किल्स हैं, ये दोनों का कूलडाउन रीसेट हो जाता है। साथ में जब तुम बेसिक अटैक यूज़ करते हो तो इन दो मूव्स का कूलडाउन भी डिक्रीज होता है। डैम मतलब फुल स्पैम मार पाओगे भाई जल्दी जल्दी इन स्किल्स को, ये दोनों स्किल्स को, क्रेजी भाई। और साथ में भाई ग्रांट सुपर आर्मर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। अच्छा जितने देर अल्ट चलता है तब तक से सुपर आर्मर भी लग जाता है, मतलब अनस्टॉपेबल टाइप में हो जाती है। डील्स एडिशनल डैमेज प्रोपोर्शनल टू 20% फॉर ईच अटैक। वाह भाई हर अटैक में 20% तक का एडिशनल डैमेज देती है। एंड साथ में कंज्यूम्स 3% ऑफ यूजर्स मैक्स एमपी। ओके गाइस हियर कम्स, देखो बैठा इधर से एमपी भी खाती है। सो गाइस दिस यूनिट इज़ बेस्ड ऑन एमपी, इस पे ज़्यादा एमपी रखने की ज़रूरत है, एंड दैट आई विल डिस्कस इन इट्स आर्टिफैक्ट्स पार्ट। ओके सो हमें स्किल्स का तो पता चल गया कि हर स्किल्स आर बिट ब्रोकन भाई, पोजेस्ड में तो आखिरी बन जाती है। एंड A1 पे देखोगे तो गाइस पोजेस्ड इफेक्ट में इसका क्रिट हिट रेट और क्रिट डैमेज 20% तक बढ़ जाता है। डैम और साथ में जब ये बेसिक स्किल्स यूज़ करती है टाइप 3 वाला, देन विंग्स ऑफ नाइट अप्लाइज पोजेस्ड, देन डार्कनेस डीप डार्कनेस इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि इसका अटैक और क्रिटिट रेट 12 टाइम्स से बढ़ जाता है, जिसको तुम स्टैक कर सकते हो 2 टाइम्स, 12 2 24 24 प्लस 20 44%। और अगर मान लो तुम आर्टिफैक्ट से इसको 50% क्रिटिट रेट दे दियो भाई, श्योर क्रिट्स है, श्योर क्रिट्स मारेगी, अनलेस भाई बॉस का डिफेंस कुछ ज़्यादा ही 200% ना हो। ठीक है एंड ड्यूरेशन 10 सेकेंड है, सो लिटरली A1 पे F2P के लिए बहुत OP है, जस्ट लाइक योसेउन। बट योसेउन तो थोड़ा फीकी लग रही थी, बट दिस वन इज भाई दिख रही है बहुत खतरनाक लग रही है, किट तो अच्छा है। एंड देन A2 पे चार्जेस द यूजर्स पावर गोज, डैम यार अल्ट स्पैम A2 पे भी अच्छी है, वाओ। वरना मैक्सिमम SSR कैरेक्टर्स A2 पे कुछ मिलता नहीं है, उनको बस डैमेज बोनस। एंड देन A3 पे तो बहुत अच्छी हो जाती है गाइस, व्हेन द यूजर यूजेस देयर बेसिक अटैक और कोर अटैक। ओके बेसिक एंड कोर अटैक जब अपन यूज़ करते हैं देन इट चार्जेस देयर एमपी एंड पावर गोज बाई 1%। लो भाई ये चीज़ यहाँ पे कवर अप हो जाता है, जो ये एमपी खाती है ना अल्ट में ये सब में, जिससे इसका डैमेज स्केल होता है, वो चीज़ रिकवर भी हो जाता है A3 पे। सो A3 में बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड डिक्रीजेस द कूलडाउन ऑफ क्रोवास सो टेक्निक लीथल मूव, आई थिंक कोर वाला है। ओके लीथल मूव कौन सा मूव है, अरे भाई अल्ट व्हाट द भाई अल्ट स्पैम कर सकते हैं A3 पे, आई थिंक ओवरट्योर बाई 2 सेकेंड्स। भाई भाई क्रेजी भाई, जब बेसिक मारते रहो एमपी भी चार्ज होगा, पावर गॉज भी चार्ज होगा, और तुम्हारा अल्ट का जो टाइमिंग है वो भी घटेगा। शिट मैन A3 पे तो आखिरी लग रही है, मैं A3 को शिट समझ आया था इसके शोकेस में, बट बहुत अच्छी है A3 में। एंड A4 में इंक्रीजेस हमें मेरे इस विन डैमेज। ओके आ गया भाई ये बेसिक वाला अपग्रेड। एंड E5 में देखते हैं, वाइल पोजेस्ड द यूजर गेंस द रेवेंस कन्फेशन इफेक्ट। ओके और एक न्यू इफेक्ट जिसमें इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ क्रुहा सोर्ड टेक्निक, इसका बात हो रहा है इस मूव का, और इसका भी इंक्रीजेस 80%। अरे भाई हाँ A5 है भाई, 80% क्यों नहीं देंगे, A5 मीन्स लिटरली सबसे मैक्सड आउट है। सो गाइज क्रेजी भाई, बहुत अच्छा है भाई इसके A1 और A3। F2P हो तो सजेस्ट करूँगा A1 तक घुस जाओ या A0 में रुक जाओ, क्योंकि कस्टम बैनर में आएगी। ओके एंड चलो अब इसके आर्टिफैक्ट्स देखते हैं भाई, मैं एक्साइटेड हूँ आर्टिफैक्ट्स बताने में, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमने पहले भाई गधे की तरह खुद से कर लिया है तो शायद से तुम रॉन्ग हो गए आर्टिफैक्ट्स में, बट करेक्ट करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो चलो लेट्स गेट इनटू इट। सो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ तुम्हें कि कोई भी हंटर को तुम्हें स्केल करना है तो ऐसे उनके रिकमेंडेड स्टैट्स देख लो, एंड तुम्हें इन जितने भी स्टैट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं इन पे ध्यान देना, और इन पे तुम्हें +1 +2 सब स्टैट्स में निकालने, और मेन स्टैट्स में भी यही सब खोजना है आर्टिफैक्ट्स में। ओके सो दैट मींस अटैक क्रिटिड डैमेज ये तो मिलते ही है अटैकर्स में,
एंड एमपी भी है। सो गाइज इसके बेस्ट आर्टिफैक्ट्स और बेस्ट सब स्टैट्स ऐसे होंगे, देखो हेड पीस में तो एडिशनल अटैक चूज करना ही है, एंड 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 ये एक ऐसी हंटर होगी ना बॉयज जिस पे एडिशनल एमपी भी चलेगा एंड एमपी कंजप्शन रिडक्शन भी चलेगा। ओके ये स्टैट्स भी चलेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा क्रिट रेट में भी दे देना सिंस क्रिट हिट डैमेज है। ओके थोड़ा मैनेज करना होगा, बट एडिशनल एमपी में हमें आई थिंक बहुत सारे पुराने सेट पुराने हंटर्स वाले में मिल गया है, ठीक है आई थिंक सो। ओके भाई भाई आई थिंक मैं फ्लश आउट नहीं ना कर लिया, एमपी कंजप्शन रिडक्शन चलेगा। सो चलो उसी पे आते हैं। सो एडिशनल एमपी में भी प्लस वन प्लस टू हो जाता है, दैट मीन्स इट विल वर्क, बट देखना मेन प्रायोरिटी अटैक रखने का है। इसका अटैक ए जीरो पे भी तुम अगर 15K प्लस रखोगे 15,000 से ज़्यादा, देन भाई जस्ट लाइक अलिशिया की तरह ये डैमेज देगी, न्यूक करेगी सबको। सो यहाँ पे तुम्हें मेन स्टैट में अटैक देखना है, अटैक परसेंटेज, एडिशनल अटैक, एंड नीचे प्रीफर करना अटैक, क्रिट हिट रेट। इस साइड में तो क्रिट हिट रेट ही मिलेंगे सब में, इस साइड में क्रिट हिट डैमेज, क्रिट हिट रेट लेना, एंड एमपी कंजप्शन रिडक्शन भी चलेगा, बट एडिशनल एमपी बेटर है इससे, कहीं ज़्यादा बेटर। सो इस पे गलती से भी आ जाता है तो नॉट बैड, ठीक है, बट मेन स्टैट सही है एमपी, एडिशनल एमपी। ओके देन यहाँ पे तो डिफेंस सेट ही मिलता है तुम्हें, एंड देख सकते हो यहाँ पे मुझे प्लस टू मिला है। सो ठीक ठाक है भाई, और क्या बोल सकते हैं, इस पे मिल जाता तो आखिरी हो जाता ये सेट। एंड एज आई सजेस्टेड यू टू पीस कर्स चाहिए ही, अब जितने भी नए हंटर्स टीपीएस टाइप में आ रहे हैं इन पे फुल कर्स दोगे तो ऑब्वियसली थोड़े बेटर होंगे, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत से हंटर्स में टेस्ट किया हूँ, एक्सपर्ट सेट फुल्ली स्टैक होने के बाद ये लोग कर्स सेट से ज़्यादा डैमेज देते हैं, समझ जा। सो लॉन्ग रन में ये हंटर्स बहुत ही ओपी बन जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स लॉन्ग रन हो रहे हैं अब। सो सिमिलरली यहाँ पे हैंड पीस में फिक्स रहता है एडिशनल अटैक, यहाँ पे भी ट्राई करना कि एडिशनल एमपी, क्रिट हिट रेट, अटैक ये सब मिल जाए, एमपी कंजप्शन रिडक्शन में भी चल जाएगा। बूट पीस में क्रिट हिट डैमेज देखने का और कोई भी सेट्स ना देखियो भाई, एचपी परसेंटेज, डिफेंस ये सब जिसने भी किया ना भाई शिट बना रहे हो तुम लोग, सही से बता दे रहा हूँ। एंड ये सेट बहुत ही अच्छा मिला, एडिशनल एमपी, एमपी कंजप्शन रिडक्शन, एडिशनल अटैक, यहाँ पे क्रिट हिट रेट मिल जाता, गॉड टियर पीस। एंड नेकलेस में तुम्हें हमेशा से एचपी मिलेगा, एंड यहाँ से तुम्हें क्रिट हिट डैमेज पे फोकस करना है बॉयज। ओके यहाँ पे थोड़ा एमपी पे कम ध्यान देना, क्रिट हिट डैमेज यू नीड, 180 प्लस क्रिट हिट डैमेज असैसिन्स भाई बहुत डैमेज देंगे, जस्ट लाइक सन जिन्हू। ओके मैं ये चीज़ तो मेंशन ही नहीं किया भाई, सन जिन्हू के बाद जो असैसिन इस गेम में आया वो नन अदर देन ये है, अमेमिया मिरे। एंड इस सेट में ऑफकोर्स विंड डैमेज रखने का, एंड अटैक, एमपी, क्रिट हिट डैमेज, यही सब। सिमिलरली रिंग्स में भी वही एडिशनल एमपी, अटैक, और हाँ इस पे एडिशनल अटैक वाला ही सेट लेना भाई। ओके ये एचपी परसेंट ये सब ना लगाइए, मेन स्टैट्स तुम्हारे एडिशनल अटैक या अटैक परसेंटेज होने चाहिए। ओके एंड बाद में आपको प्रीफर करना है एडिशनल एमपी, क्रिट हिट डैमेज ये सब। सिमिलरली इसमें भी लाइक ये पीस देख सकते हो बहुत ही अच्छा है भाई, यहाँ पे तो तुम्हें फिक्स्ड एमपी मिलता ही है। ओके एंड फिर से बता दे रहा हूँ, ये 55 लेवल के आर्टिफैक्ट्स पे ना बिल्ड करियो, इसको 75 या 70 लेवल पे ही बिल्ड करो। ओके बॉयज एंड बाय द वे गाइस इसका वेपन भी बहुत ओपी है, देख सकते हो A0 पे चार्जेस द यूजर्स पावर गॉज बाय 10% व्हेन द यूजर्स एंटर्स द स्टेज इंक्रीजेस द, भाई जैसे ये बैटल फील्ड में घुसती है इसका पावर गॉज 10% तक चार्ज हो जाता है, इंक्रीजेस द क्रिट हिट रेट एंड क्रिट हिट डैमेज ऑफ वो दो बेसिक स्किल्स हैं उनका बाय 5%। ओके A0 पे नाइस, A1 पे 10% और पावर गोज 20, भाई 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 E5 इसका वेपन जो कर ले भाई शी विल बी, भाई ये फुल अल्ट स्पैमर बन जाएगी यार, बस वही है तुमको इसको एमपी मेंटेन करने पे ध्यान देना होगा। A3 पे रहेगी तो मैनेज हो जाएगा क्योंकि बेसिक अटैक्स में ऐसे ही एमपी वापस आते हैं, और इसका A3 में ऑलरेडी मेंशन है कि उसमें भी एमपी ये रिकवर करेगी। A3 इज़ द मोस्ट ब्रोकन भाई F2P के लिए चॉइस है, बट उतना नहीं हड़बड़ाने का, ठीक है अभी रुक जाने का, वो गनी भी आने वाला है। सो मैं सजेस्ट करूंगा A0 करो, A1 करो, बिंदास रहो भाई, एंड ऐसा ही बिल्ड करने का, उसके बाद देखना गाइस ये इतना खतरनाक डैमेज देगी ना कि क्या ही बताऊं भाई। एंड सो गाइस यही था, आई होप ये गाइड वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा भाई, यस। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो बिना बेशरम बने, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, ऐसे ही मज़ेदार ऑसम इन्फॉर्मेटिव सोलो लेवलिंग अराइज के कंटेंट्स एंड गाइड वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन द गुड्स द बॉयज़।